हाय फ्रेंड्स मैं रितुनागपाल देखे आज आपके लिए एक और जो है बेबी रॉमपर लेकर आई हूँ ये फरमाइश आई थी किसी ने पिक भेजी थी इसकी कि इस रॉम्पर को आप बताइए कि कैसे बनेगा तो देखिए ये मैंने जो है डेढ़ से दो साल के बच्चे के लिए बनाया है इस तरीके से है ये देखिएगा आगे तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं ये देखिए नॉर्मल से हल्की मोटी पुल ली है और नौ नंबर से आपको इसे मैंने बताया है बाकी आगे देखेंगे किस तरीके से इसे हम बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे तो एक नॉर्मल वूल ले रही हूँ और नौ नंबर के सिलाई से आपको बता रही हूँ नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है अब इसमें मैंने जो है नीचे देखिए फोर्टी सिक्स फंदे डाले हैं ये इसका सीधा साइड है फोर्टी सिक्स फंदे डाले हैं और जो आ, मैंने बॉर्डर है वो मेरे ख्याल से पाँच इंच का बना है पाँच इंच का देखिएगा बॉर्डर बनाया है अब पाँच इंच के बॉर्डर के बाद हमें किस तरीके से ऊपर करना है फोर्टी सिक्स फंदे हैं छियालीस फंदे हैं अब यहाँ पे मैं कम से कम 52 फंदे करूँगी तो मैं इसमें जो है आठ फंदे बढ़ा दूँगी और हम जब इसे बनाएंगे तो ये बेसिकली मैं इसलिए ये देखिए ये ऐसे फोल्ड करके बच्चे को पहनाएंगे ये रोमपर के नीचे से शुरू होने वाली साइड है तो दोनों टांग एक जैसी बनेगी लेकिन डिज़ाइन सिर्फ अलग अलग जगह पे डलेगा तो यहाँ पे देखेंगे आप इस तरीके से फोल्ड करना है तो इसलिए मैंने इसे पाँच इंच लंबा बनाया है अब पाँच इंच बनाने के बाद ये सीधी साइड है तो हमें सीधी साइड में नहीं हमें उल्टी साइड में आप इसे सीधा बनाना है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें ये फ़ोल्ड करना है अगर हम यहाँ से ही इसे सीधा बनाएंगे तो जब हम फोल्ड करेंगे तो ये उल्टा साइड ऊपर आएगा इस तरीके से ऐसे उल्टा साइड ऊपर आएगा तो उल्टा साइड हमें ऊपर नहीं करना है हमें सीधा साइड ऊपर करना है तो इसीलिए जब हम आप डिज़ाइन डालेंगे तो हम उल्टी तरफ पे डालेंगे जो ये उल्टी तरफ होती है वहाँ पर डालेंगे यानी कि उल्टी साइड पे अब इसे सीधा बनाएंगे तब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर पाए अब आठ फंदे बढ़ाने हैं तो मैं बीच बीच में कहीं भी आठ फंदे चार चार फंदों के बाद बढ़ा दूंगी और साथ में हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे अब देखिए डिजाइन किस तरीके से डालेंगे क्योंकि केबल डालनी है आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं अब दोनों पैर एक जैसे बनाने हैं आप ये देखेंगे मैंने दोनों बना के रखे हुए हैं रदर ये अब एक में डिज़ाइन जो है यहाँ पर डलेगा और एक में डिज़ाइन जो है लास्ट में डलेगा ये जो आपके ये इस तरीके से देखें ये है अब एक में डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्टिंग में छः फंदों के बाद डालूंगी और दूसरे में डिज़ाइन छः फंदों से लास्ट के छः फंदों से पहले डालूंगी बस ये फर्क है बाकी सारी चीज़ें सेम करनी है अब देखिए किस तरीके से करूँगी पहले तो आठ फंदे जो बढ़ाने हैं साथ में वो भी हम बढ़ाएंगे अब ये एक ये दो इसी को आपने एक और बना दिया तीन चार पाँच छ ये बनाए फंदे अब यहाँ पे हमें डिजाइन शुरू करना है डिजाइन हमारा चार चार आठ चार बारह फंदों का है तो पहले के चार फंदे तो सीधे बनाऊंगी एक दो देखिए यहां पे दूसरा फंदा बढ़ा लिया हमने तीन हो गए और चार ये चार फंदे हमारे हो गए अब यहां चार और चार आठ में हमें ट्विस्ट करना है यानी कि ये अंदर लेना है और वो ये बाहर लेना है तो यहां से ये नीचे की तरफ से जाएगा और वो आगे जाएगा एक दो तीन चार और एक दो तीन चार ये देखिए ये चार फंदे पकड़ लिए आपने फ्रंट से इनको आपने ऐसे उतारा और ये चार फंदे आप बैक से लीजिएगा वापस ये चार फंदे लेंगे अब इन्हें नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे हार्डली हमने अभी तीन फंदे बढ़ाए हैं पाँच सात, आठ ये देखिए अब एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया और एक यहाँ यानी कि दो फंदे हम बढ़ा चुके हैं छः फंदे और बढ़ाने हैं वो यहाँ बढ़ा लेंगे तो देखिए एक दो के। वो गैप आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ के बढ़ाने हैं छः फंदे बढ़ाने हैं तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया फिर यहां पे दो ये तीन ये चार देखिए बीच बीच में तीन तीन बंदों के बाद बढ़ा रही हूं ये पाँच और ये छः पूरे आठ फंदे हमने बढ़ा लिए उधर साइड में हमने दो बढ़ाए थे अब ये छः फंदे बढ़ाए हैं अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या करूँगी वैसे तो केबल आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या कोई और भी डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं अब जितने हमने बारह फंदे केबल के बनाए थे वो उल्टे बनेंगे बाकी सारे फंदे सीधे बनेंगे ऐसे तो आपने इसे जस्ट ये इस तरीके से सीधे बनाने हैं ये इस तरीके से आपने इन्हें सीधे बनाने सिर्फ केबल के जो बारह फंदे हैं वो उल्टे बनेंगे देखिए केबल के फंदे हैं वो उल्टे बनेंगे हर बार चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह और ये छः फंदे हमारे सीधे बनेंगे ये देखिएगा ऐसे आया अभी अब ये हम बेसिकली बारह फंदों का कर रहे हैं तो एक चुटिया टाइप बनाएंगे कभी यहाँ से लेंगे और कभी वहाँ से लेंगे अब फिलहाल तो सारे फंदे सीधे बनाएंगे उसमें केबल में भी हम कुछ नहीं करेंगे सारे फंदे सीधे बनाएंगे और उल्टी लाइन में सिर्फ केबल के फंदे उल्टे और बाकी फंदे सीधे बनेंगे अब ये देखिए फिर से आ गए हम सीधे लाइन पे अब वही ये छह फंदे तो पहले नॉर्मल सीधे बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छः आप पहले हमने ये चार फंदे छोड़े थे और इन आठ को ट्विस्ट किया था अब इन आठ को हम ट्विस्ट करेंगे तो ये नीचे जाएगा ये जो चार फंदे और ये चार फंदे ऊपर जाएंगे तो हमें करना क्या है पहले के चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के उसके बाद वाले चार हमने पीछे से सिलाई पे लेने हैं ऐसे एक दो तीन चार ये देखिए ये लिया आपने ये उतारा अब इन्हें आपने फिर से इस पर ले लिया ऐसे और फिर ये चार फंदे लेकर इन्हें हम बनाएंगे ये ये लिया ये। एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ये देखिए अब ये चार फंदे फिर से सीधे बनेंगे अब अगेन वही दो लाइंस करेंगे फिर जैसे यहाँ पे ट्विस्ट किया था वही करेंगे फिर अगेन दो लाइन नॉर्मल करेंगे फिर ये वाली ट्विस्ट करेंगे तो ये केबल आप इसी तरीके से बनाते हुए जो है जाएंगे वैसे ये वाली केबल मेरे चैनल पे ऑलरेडी है बट यहाँ पे भी मैंने आपको बता दी अब फिर से वही ये लाइन तो पूरी सीधी जाएगी उल्टी लाइन जैसे बताई थी बारह फंदे उल्टे और बाकी सीधे फिर एक लाइन सीधी जाएगी फिर एक लाइन उल्टी और बारह फंदे उल्टे और बाकी सीधे और उसकी नेक्स्ट लाइन में यानी कि थर्ड लाइन में ये वाला ट्विस्ट हम जो फर्स्ट किया था वो फिर से करेंगे तो दो लाइंस का गैप छोड़ के हम ये ट्विस्ट करते हुए जा रहे हैं अब ये हम कम से कम जहाँ तक मैं समझती हूँ ये टोटल में हमारा यहाँ से लेकर अभी आगे ऊपर आसन तक जो है बीस से बाईस सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने एग्जैक्टली exactly केबल ऐसे ही डालनी है उल्टे साइड पे ही डालनी है लेकिन इन छह फंदों से पहले यानी कि ये सारे फंदे सीधे बनेंगे एक आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ मैं अब देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं बताती हूँ कहाँ पे डालनी है बाकी डालना सेम एक्जैक्टली exactly सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे बनाने बढ़ाने तो हमने वही आठ फंदे हैं जो हमने उस वाले में बढ़ाए तो यहीं से शुरू करेंगे आठ फंदा बढ़ाना देखेंगे आप ये उल्टी लाइन पर हूँ मैं इस समय अब ये आपने उतारा ये बनाया यहां पे हम एक फंदा ऐसे बनाएंगे एक फिर अगेन यहां पे दो तीन चार पाँच ये देखिए छः यहाँ पे बढ़ाए दो तो मैं इधर इस साइड पे बढ़ाऊँगी अब ये आपके पास है दो दो चार पाँच छः दो, दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये अभी बनाने हैं छः फंदे यहाँ बढ़ा लिए एक फंदा यहाँ पे और बढ़ाएंगे सात क्योंकि हम लास्ट में एक फंदा ही बढ़ाएंगे ये सात हो गया अब यहाँ से मैं देखती हूँ ये देखिए ये चार फंदे छोड़ने हैं क्योंकि दो बढ़ यहाँ पर एक बढ़ाएंगे पाँच फंदे छोड़ने हैं एक बढ़ाएंगे तो छः हो जाएंगे दो, दो दो चार दो दो चार दो और दो चार ये देखिए ये इस तरीके से हो गया अब ये हमारे जो है केबल के बारह फंदे हैं केबल के बारह फंदे में से पहले जो फंदे हैं उन्हें हमने ट्विस्ट करना है तो एक हैं ये जो बारह फंदे हैं इनमें से ये चार फंदे ऊपर आएंगे और ये चार फंदे नीचे तो बैक से एक दो तीन चार छोड़ के आपने एक दो तीन चार पकड़ने हैं ऐसे ये ये चार पकड़े आपने ये छोड़े ये चार आपने ऐसे लिए फिर ये चार लिए एक दो तीन चार अब इन्हें बना दिया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ देखिए ये हो गया आठ अब यहाँ से चार फंदे बारह हो जाएंगे एक दो तीन चार तो ये बारह फंदे पूरे आपके केबल के आ गए अब ये पाँच फंदे हैं यहाँ एक फंदा बढ़ाना है तो तीन चार ये देखिए, ये हो गया आपका इस तरीके से ये सारे फंदे यहाँ पे हमने सात फंदे बढ़ाए यहाँ एक फंदा बढ़ाया और ये बारह फंदे आपके केबल के बाकी वही उल्टी साइड में ये छह फंदे सीधे ये बारह फंदे उल्टे और बाकी फंदे सीधे जिस तरीके से यहाँ किया है वैसे ही एग्जैक्टली exactly हमें सेम यहाँ भी करना है उसी तरीके से चढ़ाते वैसे अब जाना है बीस से बाईस सेंटीमीटर कम से कम बनाऊंगी उसके बाद बताती हूँ कि हम आसन का इसमें किस तरीके से करेंगे दो दो चार पाँच और ये छः देखे सीधे अब बारह फंदे हमारे उल्टे अब ये देखिए अगर दोनों पैर इस तरीके से बन गए हैं आपको ये दोनों बताए किस तरीके से बनाएंगे इसे तो इस तरीके से फोल्ड करना है अब ये कितना बनाया है ये मैं आपको बता दूँ कि मैंने कितना लंबा बनाया है इसे ये देखिए अगर यहाँ से नापते हैं जो बॉर्डर हमने बनाया बॉर्डर से यहाँ तक जो है ये आपका सात इंच है और बॉर्डर को लेकर अगर मैं देखती हूँ तो ये टोटल में बारह इंच है क्योंकि हमें इसे बॉर्डर को फोल्ड करना है इसीलिए हम इस तरीके से ले रहे हैं तो ये फोल्ड करेंगे इसलिए लंबा लिया है आप ये देखें यहाँ से जब हम फोल्ड करेंगे तो ये आपका जो है नौ इंच के आसपास बैठ रहा है अब आपने ये लंबाई अपने बच्चों के हिसाब से लेनी है जितने भी बड़े बच्चे के लिए आप बनाएंगे उस हिसाब से आप इसकी लंबाई अपने बच्चों की टाँग के हिसाब से लीजिएगा अब देखिए इस तरीके से जब ये दो आपको दिख रहे हैं तो जहाँ हमने स्टार्टिंग में केबल डाली है वो वाला पार्ट पहले उठाना है आपने इस तरीके से अब यहाँ पे हम पहले देखें फंदे डालेंगे अब फंदे आप अपने हिसाब से जो बटन पट्टी के रखने हैं छः रखिएगा आठ रखिएगा आपने इस तरीके से डालने हैं देखिए एक ये ऐसे ये चढ़ेगा फिर ये दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ मैं आठ फंदे डालूंगी बटन पट्टी के अब हमने इस तरीके से ये डाला है तो ये सीधा हमने इसे बनाना है तो अब आप इसे सीधा बनाइए यहाँ पे मैं दो फंदे आईकॉर्ड के लिए रखूँगी क्योंकि तभी वो स्ट्रेट चढ़ती है तो अच्छी लगती है तो ये दो फंदे आप बिना बुने में जब उतारेंगे अब पहली बार तो मैं बुनूंगी अगली बार से मैं ऐसे बुनूंगी नहीं तो देखिए ये दो फंदे आपने इस तरीके से उतारने हैं ये पहले सारे फंदे बनाने हैं देखिए अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे और केबल जिस तरीके से बन रही थी उसी तरीके से जो है बनेगी देखिए ये इस तरीके से किया अब यहां पे हम आठ फंदे डालेंगे तो आपने इसे पलट के यहां पे उसी तरीके से आठ फंदे डालने हैं एक ऐसे दो तीन चार पांच छे सात और ये आठ अगर आप पतली ले रहे हैं तो आप दस बंदे भी डाल सकते हैं इसे हटाइएगा आप यहाँ से ये वाला पोर्शन लेना है सीधा बनाना है और यहाँ पे भी वही आठ बंदे पट्टी के डालने हैं तो अब ये नॉर्मल सीधा बनेगा जिस तरीके से हम बना रहे थे ऐसे तो यहाँ तो इसे मैं काट दूंगी ये देखिए ये आपने सीधे बनाने हैं ऐसे ये देखिए लास्ट आ गए यहां पे भी हम जो है आठ फंदे बॉर्डर के पट्टी के लिए डालेंगे इस तरीके से जैसे आप डालते हैं वैसे एक दो तीन चार पांच सात और ये आठ ये देखिए आप इन्हें आपने जैसे हम डिजाइन बना रहे थे उसी तरीके से बनाते हुए जाना है आपको दिखा देती हूँ मैं ऐसे आया अभी अब ये ऐसे आएगा इस तरीके से ये जो पट्टी है एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी ऐसे और इस तरीके से आएगा अब ये एज इट इज बनाते हुए जाना है बस आईकॉट के लिए ध्यान रखिएगा अब खुला ही बनना है बंद बन तो नहीं बनेगा तो अभी आपने वही है कि पह, ये फंदे सीधे बनाने हैं सारे अगली बार बस आई कॉर्ड का ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड आप आई कॉर्ड डालेंगे पट्टी पे तो वो क्या होता है कि आपकी स्ट्रेट पट्टी अच्छी चढ़ेगी बाकी बटन होल भी हमने बीच बीच में जो है इसमें डालने हैं अब ये देखिए सीधी लाइन पे आ गए हम अब आपने जस्ट इसे वैसे ही बनाना है सिर्फ ये पट्टी चढ़ेगी यहाँ पे आई कार्ड जरूर डालिएगा वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी स्ट्रेट चढ़ेगी इसीलिए बता रही हूँ और बाकी आपने इन्हीं आठ फंदों में फिर आगे दो या तीन उंगल के गैप में जो है बटन होल डालते हुए जाना है ये डिज़ाइन एज इट इज़ दोनों साइड पे चढ़ेगा और फिलहाल अब हम इसे बनाते हुए जाएंगे तो देखिए आई कार्ड के लिए क्या है कि पहले के दो फंदे आपने बिना बुने हुए इस तरीके से उतारने हैं और बाकी फंदे आपने बुनने हैं तो अब देखिए आयकॉर के लिए आपने पहले के दो फंदे बिना बुने हुए इस तरीके से जो है उतारने हैं बिना बुने हुए और फिर बाकी फंदे आपने ऐसे बनाने हैं तो वो थोड़ा सा एक अच्छा सा आ जाएगा आपका तो बाकी आप बटन होल अपने अपने हिसाब से इसमें गैप में डालिएगा ये देखिए इस तरीके से अब आपने इसे बनाते हुए जाना है तो चलिए पहले इसकी लंबाई पूरी कर लेते हैं आम होल तक उसके बाद बताती हूँ कि आम होल के और बाकी सब हम किस तरीके से जो है करेंगे अब ये बना दिया है आप ये देखेंगे देखिए इस तरीके से कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ ये ऐसे आएगा ऐसे सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे इसके ऊपर इस तरीके से ये देखिएगा ये ऐसे है अभी आप कितना बनाया है ये बता देती हूँ अब इसकी आम होल की कटिंग कैसे करेंगे कटिंग नहीं करेंगी बेसिकली वहाँ से अलग बनाऊँगी तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कितना बनाया है अब ये देखेंगे ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है मैंने आठ इंच लंबा जो है बनाया है आठ से थोड़ा सा ज़्यादा है अब आठ इंच लंबा इसे मैंने बनाया है अब यहाँ पे हम आम होल के लिए जो है कट करेंगे ताकि इसकी बाजू भी उसमें बाद में हमें लग जाए अब आम होल की कटिंग कैसे करनी है अब देखिए जो बटन पट्टी के आठ आठ फंदे हैं वो तो मैं इनमें नहीं गिनूंगी क्योंकि वो, वो तो ऑलरेडी बनने हैं और वैसे हमारे पास 116 फंदे बनते हैं 116 फंदों को जब आप आधा करोगे तो आपके पास जो है 58 58 फंदे होते हैं अब उस 58 में से हमें बैक का तो 58 रहेगा फ्रंट का 58 में से आधा करना है तो 25 और 4, यानी कि 29, नाइन उनतीस फंदे प्लस ये आठ फंदे ये हम फ्रंट के करेंगे अभी पहले हम फ्रंट बनाएंगे फिर बैक बनाएंगे और फिर नेक्स्ट फ्रंट बनाएंगे अब देखिए करेंगे कैसे अब क्योंकि हमें ये अलग बनाना है तो मैं इसमें जो है अलग से नौ नंबर की सिलाई ले लेती हूँ और ये तो आईकॉड जैसे बन रहा था उसी तरीके से आप उतार के बनाएंगे ये दो तीन चार पाँच छ सात और आठ डिज़ाइन एज इट इज़ चलेगा अब ये आठ फंदे हो गए और ये जो छः फंदे हैं ये भी हम बनाएंगे अब यहाँ से हम उनतीस फंदे लेंगे एक दो तीन चार पाँच डिजाइन जिस तरीके से चल रहा था वैसे ही चलेगा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस और ये उनतीस देखिए ट्वेंटी नाइन फन ट्वेंटी नाइन प्लस जो है आपके आठ फंदे इसके रहेंगे तो ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी नाइन फिफ्टी एट हो जाते तो बैक साइड पे हम इसे फिफ्टी एट रखेंगे अब ये फ़िलहाल इसे ऐसे ही रखेंगे अब इसे पलट लेंगे यहीं पे पहले इसे ही बनाना है अब इसे ही हमें कम से कम चार इंच लंबा जो है चार से साढ़े चार अदर पाँच इंच तक भी जा सकता है इतना लंबा हमें इसे जो है बनाना है देखिएगा बनाना उसी तरीके से है जैसे आप नॉर्मल बना रहे थे वैसे ही करना है आपने इसमें ये और ऐसे जैसे बना रहे थे डिजाइन भी वैसे ही चढ़ेगा ये देखिएगा ये बना लिया अब यही चीज़ अब आपको पहले ये पार्ट सिर्फ बनाना है और उसके बाद हम बैक उठाएंगे बैक बनाएंगे और फिर ये वाला फ्रंट भी इसी तरीके से कटिंग कहीं नहीं कर रहे हैं जस्ट इसे इसी तरीके से रहेंगे ये उनतीस प्लस आठ फंदे पीछे फिफ्टी एट फंदे और इस साइड में भी उनतीस ट्वेंटी नाइन प्लस आठ फंदे हम करते हुए अब लम्बा इसे जाएंगे ये देखिए इस तरीके से इसे बनाते हुए हूं ये बता दूं आपको पाँच इंच लंबा किया है मैंने पांच इंच लंबे में सिर्फ दो लाइनें बचती हैं वो दो लाइनें मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा घटाना है तो वो मैं आपको बता दूँ और घटाना सिर्फ हमें फ्रंट साइड में है बैक में नहीं करना है फ्रंट के दोनों साइड में एक जैसा घटाना है अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ दूसरे साइड भी आपने फ्रंट में ऐसे ही घटाना है देखिए बाकी जो है मैंने आप देखेंगे देखिए ये बैक साइड भी बना के रखा है पूरा पाँच इंच है और ये भी करके रखा है और इसमें घटाया भी है अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ घटाना कहाँ पे है एग्जैक्टली exactly सेम आपको इस साइड में भी घटाना है तो चलिए देखिए ये फंदे तो मैं ये वाले सीधे बनाऊंगी ये देखिएगा ये ये उतारा ये तो उतारने वाले है हमारा रिकॉर्ड है ये बनाया आपने अब यहाँ पे देखिए करना क्या है ये जो केबल है बारह फंदों की सिर्फ इसी में हमें करना कम करना है कैसे करेंगे देखिएगा एक फंदा आपने जो है बनाया और इन दो को आपने दो का एक किया अगेन एक बनाया इन दो को दो का एक किया फिर एक बनाया फिर दो का एक किया फिर एक बनाया फिर दो का एक किया इस तरीके से बाकी बस सिर्फ केबल पे करना है बाकी कहीं नहीं करना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये आपने सीधा बनाया पलट के अब ये पूरी लाइन करनी है और फिर हमें आपस में जोड़ना है क्योंकि ये ये वाला पार्ट भी मैं कर चुकी हूं इसी तरीके से एग्जैक्टली exactly, केबल के जगह पे ही और बैक साइड भी बना के रखा हुआ है अब पहले एक लाइन को बनाने के बाद आपको जोड़ना बता देती हूँ किस तरीके से आपने इसे जोड़ना है ये देखिए अब तो ये है ऐसे ये देखिएगा ये बन गया है इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे कम किया अब जो ये इस साइड से इस साइड से 18 फंदे हैं वो हम बैक साइड से इस पे ऐसे जोड़ेंगे ये जो आपने आम होल की कटिंग की थी उनको दोनों को आपने ऐसे लेना है और मैं तो सुई से आपको सीधा उसको जोड़ के भी दिखा सकती हूँ और देखेंगे इसे सीधा रखेगा क्योंकि सुई से जोड़ के दिखा रही हूं तो दोनों पार्ट हमारे सीधी तरफ होने चाहिए ऐसे आप देखिए जोड़ा जोड़ना कैसे है अब हमारे को यहां से ये अठारह फंदे इसके साथ जोड़ने हैं यानी कि अठारह और अठारह इसलिए आप गिन लीजिएगा जरूर तो जोड़ेंगे कैसे आप देख लेंगे कि दोनों शोल्डर्स इसी तरीके से जोड़ने हैं ये फंदा है ये और ये सलाई है ये उतारा आपने ऐसे और इसमें से ऐसे निकाला ध्यान से देखिएगा और फिर इसे खींच दिया ये उतारा और इसको ऐसे लिया और धागे को आपने खींच दिया फिर वही ये उतारेंगे ऐसे और इसको ऐसे लेकर धागे को आप खींच लेंगे यहाँ से भी वैसे ही ऐसे उतारना है और ऐसे यानि कि दोनों तरफ से बनाना एक जैसा है उतारना एक जैसा है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा धागा खींचेंगे फिर वही ये इस वाली सिलाई का ऐसे और ऐसे धागे को खींच लीजिएगा यहाँ भी वही ऐसे और फिर ऐसे अब ये देखिए लास्ट फंदा है यहां पे इसे अब यहाँ पे ही इसे जो है बंद कीजिएगा इस तरीके से क्योंकि हमें ये अभी जो है ऐसे बंद कीजिएगा और फिर इसे हम अंदर जाके बंद कर देंगे क्योंकि ये हमें बेसिकली यहाँ पे ये फंदे भी चाहिए और ये फंदे भी चाहिए देखेंगे आप इस तरीके से ये बचे हैं यहाँ पे आठ और छह चौदह फंदे और यहाँ पे अभी ये है ये वाले जो अठारह फंदे हैं वो हम उसके साथ इसी तरीके से एग्जैक्टली जोड़ेंगे देखेंगे आप ये देखिए ये जुड़ा है ये इसका बैक कहीं से भी नहीं दिखेगा इस तरीके से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा जुड़ जाता है तो चलिए अब ये फंदा एग्जैक्टली इसी में रहने देंगे इसे हम अभी यहीं रहने देंगे यहीं पर उतार लेती हूँ देखेंगे ऐसे क्योंकि हमारे वो वाले फ़ंदे भी अठारह हमने वहाँ से बंद करने हैं ये देखिए ये अठारह फंदे हमें इसके साथ बंद करने हैं तो इसे भी हम सीधा ही जो है ऐसे लेंगे इस इस तरीके से से अब हम इस यहां से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि ये हमने छोड़ने हैं तो ये हमें इसी में लेने पड़ेंगे सारे और फिर अठारह फंदे उसे वहां से उसी तरह से बंद करने पड़ेंगे जैसे ये साइड किया ये देखिएगा ये लिया इसका सीधा पार्ट इसका सीधा पार्ट और उसी तरीके से हम बंद करेंगे जैसे वो साइड की है वही अठारह फंदे एग्जैक्टली exactly. तो आपने ये लिया इस पर से उतार दिया और इसमें आपने डाल के इसे खींच दिया फिर यहाँ से भी वही ये लिया ऐसे इसमें डाला और धागे को आपने खींचना है फिर ये उतारा ऐसे लिया और ये ये उतारा ऐसे लिया ऐसे लिया और ये ये हम इस तरीके से बंद हम जब ऐसे सीधा सीधा बनाते हैं ये हम तब करते हैं अदरवाइज बंद करने का दूसरा तरीका भी है जब हम जो है सिर्फ सीधी साइड बनाते हैं ये हमने ऐसे बनाया है इसीलिए इस तरीके से बंद कर रहे हैं ये देखिए लास्ट फंदा है तो आपने ऐसे करना है इसमें से ये और यहाँ से भी इसे उतारेंगे बस ये हो गए और इसे फिर आपने अंदर ले जाके ऐसे करके आप बंद कीजिएगा यहाँ से ये डाला फिर यहाँ अंदर डाला और अब अंदर हम इसे ऐसे बंद कर लेंगे वहाँ पे उसे बंद कर लेंगे अब देखिए ये जो है ये यहाँ पे हमने थोड़े से फंदे जब हम करेंगे तब उठाएंगे फिलहाल हम इसे इसमें ऐसे डाल देते हैं ऐसे तो देखिए दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से हुआ है अभी ये अभी ऐसे आया है देखिएगा ये ये आया है आप आपका ये बंद कर लिए देखे दोनों और ये गले का आ गया अब हमें इसमें हुड बनाना है हुड के साथ हम थोड़ा सा इसमें फंदे बढ़ाएंगे भी वो मैं आपको बता दूंगी अब बैक में देखिएगा, 58 फंदे थे 58 फंदे में से 36 फंदे हमने जो है निकाल लिए तो हमारे पास जो है ट्वेंटी टू फंदे बचे हैं बाईस फंदे बैक में हैं चौदह यहाँ है चौदह यहाँ है, है यानी कि अट्ठाईस और तीस और बीस पचास फंदे हैं पर हम अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे कहाँ कहाँ पे वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ एक्जैक्टली exactly एक यहाँ बढ़ाएंगे एक सेंटर में और एक इधर अभी बताने जा रही हूँ कैसे हम इसे करेंगे अब आप ये देखिए इस तरीके से हमने जब इसे जोड़ लिया है अब हमें इसका जो है हुड बनाना है अब देखेंगे यहाँ पे भी अभी गैप है फंदे उठाएंगे हम उसमें अब करना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ अब उस तरीके से ही फिर आपको करते हुए जाना है पहले पहले देख लीजिए करना किस तरीके से है अब ये जो हमारे आई कार्ड है वो तो एज इट इज़ बनेगा जैसे हम बना रहे थे उसे आपने ऐसे ही बनाना है इस तरीके से दो उतारने के बाद ये फंदे सीधे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह देखिए ये चौदह फंदे हमने जो है इस तरीके से बनाए अब जो ये फंदा है यहाँ पे हमने एक मार्कर लगाना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पहले इसे बना लेंगे ऐसे और यहीं पे ये जो हमने बनाया इस पर मैं मार्कर लगा दूँगी क्योंकि हमें इस फंदे के आसपास जो है बढ़ाना है तो देखिए ये ऐसे ध्यान रहेगा कि इसके आसपास बढ़ाना है अब यहां से हम ये फंदे बनाते हुए जाएंगे अभी अब ये देखिएगा यहां पे आपको जो गैप दिख रहा है ना यहाँ पे आप बेशक इस तरीके से फंदे उठाइएगा ये लिया आपने इसे ये लिया और ऐसे और फिर इसे बनाएंगे यहां पे भी अब इस वाले फंदे पे जो हमने उठाया है उस पर ही आपने ऐसे मार्कर सेट करना है लगा देना है ताकि याद रहेगा हमें यहाँ यहाँ बढ़ाना है अभी सेंटर में भी करना है वो मैं दिखा दूंगी बता दूँगी अभी आपको पहले ये बना लीजिए अब ये हमारे चौदह फंदे होंगे और आईकॉड जिस तरीके से आप बना रहे थे उसी तरीके से इसमें बनाएंगे ये पलटा आप देखिए यहाँ पे बता दूँ अब ये जो सेंटर के फंदे हैं मेरे को गिनने हैं क्योंकि यहाँ भी उठाए और यहाँ भी उठाए कितने हैं दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये मेरे पास जो है तेईस फंदे हैं अब तेईस फंदों में से मैं सेंटर के फंदे पे लगाऊंगी यानी कि ग्यारह यहाँ ग्यारह यहाँ और बीच में जो सेंटर का फंदा होगा उस पर ये लगाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और इस सेंटर के फंदे पर लगाऊंगी क्योंकि इसी के आसपास हमने बढ़ाना है अब हमें यहाँ बढ़ाना है यहाँ बढ़ाना है और यहाँ बढ़ाना है हर सीधी लाइन में पहले ये उल्टी लाइन कर लेते हैं उसके बाद बताती हूँ अब देखिए उल्टी लाइन तो वही क्योंकि हम सीधा सीधा ही बना रहे हैं उल्टे में भी तो इसे भी हमें सीधा ही बनाना है ये आईकॉर्ड के पहले दो फंदे ऐसे उतारे और फिर बाकी फंदे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं और ये देखिए लास्ट में आईकॉड के फंदे पलट लीजिए अब यहाँ यहाँ और यहाँ बढ़ाना है अब एक जो ये दो लाइनें बताऊँगी फिर उसे आपको दोहराते हुए जाना है ये आईकॉड के फंदे अपने उतारे फिर ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब देखिए ये जो आईकॉड का फंदा है ये देख रहे हैं आप इसके जो पहला वाला फंदा है वहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे बनाइएगा और फिर इसे बनाएंगे फिर ये फंदा बनाएंगे और फिर इस पर भी आपने इसी तरीके से ऐसे करके ये बनाना है और फिर ये बनाएंगे यानी कि इसके आसपास दोनों फंदे हमने दो बढ़ा लिए अब सेंटर में आ जाते हैं वहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम ये देखिए ये वाला फंदा है तो आप जो है इसके यहाँ पे ये उठा के ऐसे इसे बना लीजिए फिर इसे बनाइए एंड अगेन ये उठा के ऐसे भी बना सक बढ़ा सकते हैं और ऐसे भी बढ़ा सकते हैं जो यहाँ पे बढ़ाया जैसे भी आपकी मर्जी हो आप उस हिसाब से बढ़ाइएगा बस इसी फंदे के आसपास बढ़ाना है फिर नेक्स्ट उस पर जाएंगे मार्क पे वहाँ भी ऐसे ही बढ़ाएंगे ये देखिए ये आ गया ये इसे आपने लिया ऐसे छेद ना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं देखिए ऐसे जब आपने ये ले लिया ना तो इसे आप बैक साइड से बनाएंगे तो ये छेद नहीं पड़ेगा फिर इसे बनाएंगे फिर इसे उठाएंगे इस पर लेंगे और बैक साइड से बनाएंगे अब देखिए दो यहाँ बढ़ाए दो यहाँ बढ़ाए दो यहाँ बढ़ाए नेक्स्ट लाइन हमारी पूरी सीधी जाएगी उसकी नेक्स्ट लाइन में फिर से बढ़ेंगे अब अब आप ये देखिए यहां पे मैंने ये तीन इंच के आसपास जो है इन्हीं तीन जगहों पे बढ़ाया है देखेंगे एक दो और तीन ये तीन जगहों पे बढ़ाया और इस समय मेरे पास वन थर्टी स्टिचेस है अब जो है हम इसे नॉर्मल बनाएंगे अब हम इसे बढ़ाएंगे नहीं जस्ट नॉर्मल बनाते हुए जो है जाएंगे जिस तरीके से आप बना रहे थे बस बढ़ाना नहीं है दोनों तरफ आपने इसे सीधा सीधा इस तरीके से करना है विद आई कार्ड जो हम आयकॉड बना रहे हैं उतार रहे हैं उसके उसके साथ ही हमने इसे जो है सीधा सीधा करते हुए ऐसे दोनों तरफ से फिलहाल कुछ जाना है अब ये आठ इंच इस तरीके से बनाया है आप ये देखेंगे ये बढ़ाने के बाद यहाँ पे आठ इंच बना लिया अब आठ इंच बनाने के बाद क्या करना है थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ पहले तो आप फंदे गिनिएगा जितने भी आपके पास फंदे होंगे उसके सेंटर पॉइंट में आपने जो है एक पिन लगाना है क्योंकि हमें उसके साइड्स में घटाना है तो अब पहले हम फंदे जो है आधे आधे कर लेते हैं अब ये देखिएगा आपने बिल्कुल जो सेंटर होगा वहाँ पे ये पिन लगाइएगा ये ये इसका सेंटर है अब जितने भी फंदे आपके पास होंगे अब करना क्या है चार लाइंस उसके बाद हमें बंद कर देना है अब देखिएगा किस तरीके से आई कॉर्ड तो जैसे बन रही थी उसी तरीके से जो है बनेगी अब हमें देखिए यहां पे ये जो हमने लगाया है इससे दो फंदे पहले तक सीधा बुनना है अब ये देखिए यहां पे पहुंचे हैं ये जो मैंने सेंटर में लगाया था इससे जस्ट पहले दो फंदे पहले तो आप इन दो को आपने दो का एक करना है ऐसे इसे उतारेंगे और यहाँ पे भी इन दो को अपने दो का एक करना है ऐसे बाकी सारे फंदे सीधे और अगली लाइन जो उल्टी है वो भी सीधी बनेगी हमारी अब देखिए दो बार और इसी तरीके से सेम करूँगी जैसे मैंने अभी बताया जहाँ पे ये रखा है इसी के आसपास जैसे घटाया है दो बार और करूँगी और उसके बाद हम इसे सुई से जो है बंद कर देंगे तो ये आई कॉर्ड तो जिस तरीके से बनाएंगे और वही उसी तरीके से हम दो बार फिर से कटाएंगे अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने हार्डली छः फंदे घटाए हैं सेंटर में यहाँ पे अब हमें जो है इन दोनों को इस तरीके से सिलना है सुई से सिलेंगे फ्रंट साइड से सिलेंगे दिखेगा नहीं इसलिए फ्रंट साइड से हम इसे ऐसे करके सिल देंगे तो हाफ़ एंड हाफ़ आपने करना है जहाँ पे एक्चुअली हमने ये किया था इसी पे ऐसे लेंगे और इस तरीके से देखिए ये लिया आपने अब यहाँ से हमें सिलना शुरू करना है तो आप धागे को थोड़ा लंबा काट लीजिएगा और सुई में धागा डालेंगे अब उसके बाद हमने करना कैसे है देखिएगा पहला फंदा तो मैं इस तरीके से उतारूंगी ये ऐसे और ऐसे ये लिया खींच लिया अब यहां से भी पहला फंदा ऐसे उतारूंगी और दूसरे में से ऐसे डालूंगी ये ये देखेंगे यहां पे बंद हो गया अब आपने करना क्या है ध्यान से देखिएगा अब आप ऐसे उतारेंगे सेकेंड वाले फंदे से और इसमें जो है इस तरीके से डालेंगे फिर ये वाला भी ऐसे उतारेंगे और यहां पर डालेंगे हम दोनों तरफ से एक जैसा करेंगे वो सिर्फ इसीलिए करेंगे क्योंकि ये सीधा सीधा बना है आप ये देखेंगे इस तरीके से बना है गार्टर स्टिच है तो गार्टर स्टिच को बंद करने के लिए आपने इसी तरीके से करना होता है ये देखिए ये उतारा और इस वाले पे आपने यहाँ से फंदा ऐसे डाला बैक वाली सिलाई से पहला फंदा ऐसे उतारा और दूसरे में से आपने ऐसे डाल दिया देखिए फिर से इसमें से ऐसे उतारा और सेकेंड में ऐसे डाला देखेंगे यहां पे बंद हो रहा है अब पिछले सिलाई से भी पहला ऐसे उतारा और सेकंड पे आपने ऐसे डाला फर्स्ट में से ऐसे उतारा सेकंड फंदे में आपने ऐसे डाला दूसरी पीछे की सिलाई से ऐसे डाला और दूसरे में ऐसे अब यही आपको लास्ट तक करते हुए से बंद करना है देखेंगे आप ये देखिए ये बंद हुआ पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में आपने अगर सुई से बंद किया तो बंद हो रहा है देखेंगे ये गार्टर स्टिच को हम इसी तरीके से बंद करते हैं अगर एक सीधा एक उल्टा हो उसको हम अलग तरीके से जो मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पे उसे उस तरीके से जो है बंद करते हैं अब यही आपको सारे फंदों में इसी तरीके से करते हुए जाना है अब देखिए लास्ट में आ गए हम इस तरीके से ये ये जो लास्ट का फंदा है इसमें से लेना है आपने ऐसे और ये तो देखिए इस तरीके से आपने ये सारा जो है बंद कर लिया है ऐसे आप सुई को थोड़ा सा देखेंगे ये देखिएगा ऐसे बंद किया है आपने अब इसे हम अंदर डाल के इसे जो है बंद कर देंगे इसे आप यहां से अंदर डालिएगा इस तरीके से तो देखिए ऐसे आपका जो है इसका बच्चे के उसका हुड बन गया ऐसे बटन भी लगा लिए हैं मैंने ये देखेंगे ऐसे आप ये हुड बन गया अब इसकी आती है बाजू की बारी बहुत नॉर्मल और सिंपल बाजू बनाई है अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ नीचे जो है मैंने इसमें आप देखेंगे ये थर्टी एट फंदे डाले हैं और ऊपर यहाँ तक आते आते जो है इसके इसके साथ नापा क्योंकि हमने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है हमने जस्ट स्ट्रेट बनाना है तो मैंने बनाते हुए आप इसमें इसके साथ इस तरीके से नापा कि कितना आता है तब इसके फंदे जो है वहीं पे रोक दिए और फिर इसे थोड़ा सा बनाया और बनाया कितना है ये मैं आपको बता देती हूँ ये जो है आप ये देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आठ इंच लंबा है यानी कि बीस सेंटीमीटर लंबा है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है इसीलिए हम इसे थोड़ा सा छोटा ही रखें तो सही रहता है अब इसे वो आपने जो है अंदर से इसके साथ ऐसे करके यूँ जो है सिल लेना है तो अब देखिए इस तरीके से ये मैंने सिल लिया है अब यहाँ पे आपने ऐसे कान लगाना है अब ये कान आप कैसे लगाएंगे वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ एक मैंने बना दिया है अब कान के लिए आपने देखिए देखिए यहाँ पे जस्ट थर्टी फंदे डाल के ये अट्ठारह लाइन्स सीधे सीधे की दोनों तरफ बननी है अब हमने दोनों को बंद करना है तो हम तीस फंदे हैं तो पंद्रह फंदे और पंद्रह फंदे ऐसे करेंगे इस तरीके से लेंगे और इन्हें यहाँ पे बंद कर देंगे आपने जो है इस तरीके से लेना है ऐसे और दूसरी सिलाई लेकर हम इसे जस्ट ऐसे बंद कर देंगे ये किया बैक से ऐसे ये देखिएगा इस तरीके से आपने बना लिया ऐसे बनाए आप अब ये हमें इसमें लगाना है तो आपने इसे इस तरीके से लगाना है थोड़ा सा हल्का सा ये करके ऐसे तो ये आपका कान बन जाएगा आप लगाएंगे कैसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ अभी देखिएगा ये मैंने लगाया है देखिए खड़ा है ये बिल्कुल ऐसे तो यहाँ से ये जो हमने सेंटर में सिला था एक दो तीन चार फन लाइन्स के बाद लगाया है तो एक्जैक्टली ये लाइन ऐसे लेंगे और एक दो तीन चार यहाँ पे हमने इस तरीके से लगाना है अब कैसे लगाएंगे ये देखेंगे बिल्कुल इसकी सीध में ऐसे करके देखिएगा एक दो तीन चार तो हम यहाँ पे लगाना है ये और इसे छोटा रखना है ये ऐसे रखेंगे इस तरीके से यहाँ से एक दो तीन चार ये इतनी दूरी पे आपने रखना है और लाइन देखिएगा एक ही होनी चाहिए और ये इस तरीके से ऐसे रखा नीचे से आपने सुई डाला इस तरीके से ये ऐसे ये डाला आप बस लाइन का जरूर देखिएगा कि एक लाइन में होना चाहिए ये डाला अब आप आपने इसको ऐसे किया क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से किया हुआ है ऐसे अब बंद कैसे करना है क्योंकि लाइन में करना है ये नीचे के जो ये आपको दिख रहे हैं सीधे फंदे ये लिया और साथ में ये लिया इस तरीके से फिर ये लिया और ये नीचे के फंदे ये देखें ये ऐसे अगेन ऊपर का लिया आपने इस तरीके से ये से खींचा और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये देखें ये ऐसे फिर ये नीचे से लाइन सेम रखिएगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ये लिया अब फिर से हम इसे ऐसे ये देखेंगे ये ऐसे फोल्ड ये लिया इसको ऐसे फोल्ड किया आपने और देखना है कि कहाँ पे इसको आप साथ में लगाएंगे तो ये ये और ये ये देखिए ये अगेन नीचे से फिर इन दोनों में से ऐसे फिर नीचे से और इन दोनों में से ये और यहां पे इस तरीके से करके इन दोनों में से ये देखें ये अब ये आपने ऐसे फिलहाल बंद किया ऐसे करके इस तरीके से अब बैक से भी हम पहले इसे बंद करेंगे तो बैक में आ जाइए इसी के साथ अब बैक में ये और साथ में इसके ये और साथ में आपने इसका लेना है ये ऐसे दिखा देती हूँ देखिए ये फिर ये लिया आपने और फिर बैक लिया थोड़ा टाइट रखिएगा बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा ये लिया और साथ में ये ये इसका बैक में इसलिए रह रहे हैं कि ये बैक की तरफ थोड़ा झुक ना जाए ये और ये ये और ये ये, ये देखिए ये बैक भी बंद हो गई ये तो बाद में काटिएगा ये देखेंगे आप अब एक बार जस्ट फिर से थोड़ा सा राउंड ले लेते हैं ताकि ये ऐसे आपको नजर आए इस तरीके से तो राउंड के लिए आपने क्या करना है ये यहाँ पे क्योंकि आप स्टार्टिंग में आए हैं ये लिया और साथ में इसको अगेन ये लिया और ऊपर फिर ये और ऊपर बस सिलेगा वैसे अपने अपने तरीके से जैसे आपको सिलना हो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि खड़ा कैसे रहेगा ताकि ये इस तरीके से देखेंगे आप ये देखिए ऐसे ही खड़ा रहेगा ये देखें ये देखेंगे आप ऐसे और ऐसे बस अब इसे नीचे डाल के आप बंद कर दीजिएगा ये ये देखें ये देखिएगा इस तरीके से तो ये देखिएगा ऐसे लग गए हैं अब ये आप थोड़ा काट लीजिएगा उससे कर लीजिएगा इस तरीके से आपके कान लग गए तो आपका ये बेबी जो रॉम्पर है स्वेटर है बन के तैयार हो गया अब इसमें बटन्स आप अपने हिसाब से जो है लगाइएगा जो भी बटन्स आपने जिस तरीके से लगाना है वैसे आप इसमें लगाइएगा मैंने पहले लगा दिया है और आपने जस्ट इसको जो है सिल लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका जो ये बेबी रॉमपर है तैयार हो गया तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू